Hello super investors, this video is specially for Bradcom Group management. Bradcom Group के management के लिए ये special video है जिसपे I hope they will consider, they will study and they will try few points which I am suggesting in this video. इस video में मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि BCG के investors जो है वो सभी लोग चाहते हैं. इसमें से काफ़ी पॉइंट्स मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया है, कहीं पे मैंने कमेंट्स में पढ़े हैं, कहीं पे और भी पढ़ा है. तो सब ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर्स के ओर से ये वीडियो स्पेशली ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट के लिए है, जिसके कारण शेयर में जो एक मूवमेंट नहीं हो रहा है और काफ़ी कन्फ्यूजन है इन्वेस्टर कम्युनिटी में और कॉन्फिडेंस दिन ब दिन लूज़ हो रहा है इन्वेस्टर्स का. तो मैं आशा करता हूं, आई होप कि ब्राइटकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट जो कि हरदम इन्वेस्टर फ्रेंडली रही है, इन सब पॉइंट्स पर विचार करेगी, कंसिडर करेगी और कुछ इसमें से कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी. और मैं ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को कोई भी दिक्कत, परेशानी, टेंशन होने वाला नहीं है. दे वोंट बी एनी प्रॉब्लम टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस पॉइंट्स. नंबर वन प्रॉब्लम क्या है कि क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कंपनी पब्लिश कर नहीं पा रही है. उसका कारण है यह है, आप भी जानते हैं कि जो ऑडिटर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स की ओर से अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है अपॉइंटमेंट का, उसके बिना वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं मैनेजमेंट को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कीजिए, जिसके लिए आपके पास काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई होगी शेयर होल्डर्स की ओर से. तो आप अगर EGM कॉल करते हैं और उसमें सब्जेक्ट रखते हैं टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ ED एंड ऑडिटर, तो कम से कम वो जो पेंडिंग मैटर है वो तो सॉल्व हो जाएगा और क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पब्लिश करने के लिए आप फ्री हो जाएंगे. और आपने ED अपॉइंट किए हैं मिस्टर सेन, उनको भी ऑफिशियली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो वो भी फुल फ्लेज कंपनी में काम कर सकते हैं. और ED अपॉइंट होने के बाद ED भी साइन कर सकते हैं अलग अलग मैटर्स पे जो कि पेंडिंग पड़ा है, जैसे क्वार्टर टू का रिजल्ट हो या AGM में जो है, कम से कम ED रहेंगे तो आप AGM भी कॉल कर सकते हैं. आफ्टर EGM, आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यू कैन कॉल फॉर AGM ऑल्सो, बिकॉज ऑडिटर भी साइन कर पाएंगे जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ऑडिटर अपॉइंट हो जाएंगे, तो बाकी सब बातें क्लियर हो जाएगी. तो इसीलिए आपने EGM जल्द से जल्द कॉल करना चाहिए टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड ED ऑफ द कंपनी. सेकेंड पॉइंट यह है कि कंपनी जो है CEO CFO अपॉइंट नहीं कर रही है. ओके, वी डू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी या मिस्टर राजू को फिर से बोर्ड पर लेना है. उसके लिए जो SAT कोर्ट में जो केस चल रही है उसके लिए मैनेजमेंट वेट कर रही होगी. बट इन द मीन टाइम यू कैन अपॉइंट CEO CFO मे बी एज पर विश ऑफ यू ऑल डिसाइड कर सकते हैं, या कंपनी में ही कोई सीनियर जो अभी मैनेजर होगा या मैनेजर पर्सन होगा उसको टेम्प्ररी आप CEO CFO अपॉइंट कर सकते हो, तो जिसके कारण वो पोस्ट वैकेंट नहीं रहेगी. और लेटर वंस इफ़ CAB अप्रूव, CAB परमिशन देती है, SAT कोर्ट में कुछ पॉजिटिव होता है, इफ़ मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी एंड नारायण राजू इज बैक, दैट टाइम यू कैन मे बी रिमूव दिस CEO CFOs और उनको आप डेप्यूटी CEO CFO बना सकते कंपनी का, जिसके कारण कंपनी का फंक्शन स्मूथ चलेगा. बिकॉज CEO CFO अपॉइंट करना काफ़ी ज़रूरी है, दे कैन बी ऑफ योर फेवर, ऑफ योर नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द कंपनी, इन द कंपनी इट्सेल्फ. और यू कैन कॉल समबडी फ्रॉम द सब्सिडरीज, आपकी इतनी सब्सिडरीज है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ के कोई एक्सपीरियंस पर्सन को आप CEO CFO के लिए कॉल कर सकते हो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू कॉल समबडी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ योर कंपनी. सो दैट वे सम कॉन्फिडेंस विल बी जनरेटेड इन द मार्केट कि कंपनी हैज़ CEO CFO. डिविडेंड इज ऑल्सो पेंडिंग बिकॉज AGM हुई नहीं है, उसमें अप्रूवल लगेगा शेयर होल्डर्स का टू गिव द डिविडेंड, तो इसीलिए AGM होने के लिए EGM होना ज़रूरी है, तो डिविडेंड भी प्रॉब्लम जो पेंडिंग पड़ा है वो सॉल्व हो सकता है. यू पीपल कैनॉट पब्लिश क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री रिजल्ट विदाउट ऑडिटर, दैट वी अंडरस्टैंड. आप ऑडिटर के बिना क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अपॉइंट नहीं पब्लिश नहीं कर सकते हो,
बट इन द मीन टाइम एटलीस्ट यू कैन पब्लिश द लेटेस्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ योर ऑल सब्सिडरीज ऑन योर वेबसाइट. सब्सिडरीज जो भी आपकी वर्ल्ड में फैली हुई है, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, जहाँ जहाँ भी सब्सिडरीज हैं, उनके तो ऑडिट हो चुके होंगे, वहाँ के लोकल ऑडिटर उनके ऑडिट करते हैं, तो उनकी तो कम से कम आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस पब्लिश कर सकते हो लेटेस्ट, सो दैट देर विल बी कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर कम्युनिटी, बिकॉज यूर 90% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट. सब्सिडरीज से ही आपके रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होते हैं. तो अगर आप भाई सबका कॉन्सोलिडेटेड Q2, Q3 आप पब्लिश नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ टेक्निकल reasons, तो एटलीस्ट यू कैन पब्लिश द सब्सिडरीज क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री results, सो दैट विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर कम्युनिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैनॉट पब्लिश Q2, Q3 दैट वी अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट यू कैन पब्लिश द बिजनेस अपडेट ऑफ द कंपनी ऑफ क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री. मतलब बिजनेस अपडेट मतलब कितने पब्लिशर्स, एडवर्टाइजर्स ऐड हुए, क्या डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 6 मंथ्स में, कंपनी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितने क्लाइंट्स बढ़े, क्या क्या कंपनी ने अचीव किया है अबाउट बिजनेस, तो ये भी आप पब्लिश कर सकते हो इन द मीन टाइम टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स कम्युनिटी कि आपका बिजनेस सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है. ये भी अगर इन्वेस्टर कम्युनिटी को पता चला by the notification, business, latest business update of last 2 quarters, that will also boost the confidence of investor community. And आपका audio जो company आपने tie up किया था उसका business development क्या है, quantum technology के लिए आपने lab setup किया था, tie up किया था, उसका development क्या है, वो भी आपने अगर update किया to your investors, so वो भी काफ़ी helpful होगा to build the confidence among the investors community. One of the major allegation by SEBI was implied on the company was preferential warrants allotment. तो उसका जो matter pending पड़ा है उसके बारे में भी आप update दे सकते हो shareholders को कि उसका company ने क्या decide किया है कि whether company is forcing the people to pay the remaining amount or whether they are cancelling the preferential allotment. ये भी अपडेट अगर आपने दिया तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा शेयर होल्डर्स को टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द कंपनी अबाउट दिस मैटर. तो ये काफ़ी बातें पेंडिंग है जिसके ऊपर मैनेजमेंट काम कर सकती है शांति से, और अगर आप इसके ऊपर से कोई भी जो नोटिफिकेशन के द्वारा सब बातें पब्लिश करते जाएंगे तो एक एक बातें क्लियर होती जाएगी. जैसे सब्सिडरीज के क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आप अपलोड कर सकते हो वेबसाइट पर, उसका नोटिफिकेशन दे सकते हो, EGM का नोटिस दे सकते हो, EGM कॉल कर सकते हो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड ED. ऑल्सो यू कैन गिव द बिजनेस अपडेट ऑफ क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री दैट व्हाट बिजनेस, व्हाट माइलस्टोन्स कंपनी हैव अचीव्ड इन लास्ट 6 मंथ्स, दैट एटलीस्ट यू कैन गिव, बिकॉज आपके पास सब सब्सिडरीज का डेटा आता होगा, कितना बिजनेस बढ़ा, कितने क्लाइंट्स बढ़े और क्या किया कंपनी ने अचीव, तो ये भी आप पब्लिश कर सकते हो इन द मीन टाइम, सो दैट शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी में बना रहे. क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑडियो टाइप, इस बारे में भी आप अपडेट कर सकते हो. तो ये सभी बातें आप अगर करोगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस आएगा, शेयर होल्डर्स में कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज देर आर लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स, दे हैव केप्ट फेथ इन द बैडकॉम ग्रुप सिंस लॉन्ग टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल प्रॉब्लम्स अकर्ड इन लास्ट फ्यू ईयर्स, तो इसके कारण शेयर में काफ़ी ट्रबल है. तो आपको ये साबित करना होगा ये सब पब्लिश कर कि कंपनी में सब ठीक चल रहा है और कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेफिनेटली इट विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर कम्युनिटी ओवरऑल. सो आई होप मैनेजमेंट विल टेक दिस एज अ रिक्वेस्ट एंड कंसिडर कि आप इसमें से काफ़ी बातें आने वाले दिनों में हाईलाइट करेंगे, पब्लिश करेंगे वाया NSE BSE वाया नोटिफिकेशन, सो द पिक्चर विल बी क्लियर इन इन्वेस्टर्स कम्युनिटी एंड दे विल अंडरस्टैंड कंपनी इज डूइंग वेरी वेल एंड एवरीथिंग इज ओके इन द कंपनी, ऑल्दो देर इज नो टॉप मैनेजमेंट, फुल टाइम मैनेजमेंट इन द कंपनी. ये तो आप सब लोग कर सकते हो, ये करने में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है. सो आई होप दिस वीडियो रीचेस टू द मैनेजमेंट. आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अलग अलग जगह पे, सो दैट इट रीचेस टू द मैनेजमेंट ऑफ द ब्राइटकॉम ग्रुप
एंड दे विल कंसिडर द पॉइंट्स विच आई हैव मेंशन इन दिस वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स एंड लेट्स होप कि एवरीथिंग गोज वेल इन द कंपनी एंड इट गोज बैक इन द ट्रैक एंड अगेन शेयर ऑफ द कंपनी गोज टू द मून. थैंक यू फ्रेंड्स.